सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा साथियों में आपका स्वागत है। विषय हिंदी, उपविषय काव्य, शीर्षक निज भाषा उन्नति, रचयिता भारतेंदु हरिचंद। निज मने अपना होता है, निज। निज का अर्थ जो है निज, निज अर्थ अपना। जो है प्रस्तुत पाठ में कवि ने स्वाभाविक और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया है, साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की लिए परस्पर मिलजुल कर रहने का संदेश दिया है। कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, सब उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। देखिए, कहते हैं कि जो अपनी भाषा उन्नति है, अपनी भाषा की उन्नति करो, इसका विकास करो, सब उन्नति को मूल और सभी विकास का आधार है। यह अपनी भाषा जो है ना, सभी उन्नति व विकास का आधार है। आप बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के ओशूल। और जो है बिना अपनी भाषा के, अपनी भाषा ज्ञान के बिना जो है हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होती है, वह हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होती है। भारतेंदु जी का कहना है कि अपनी भाषा का विकास करो, जो विकास का आधार है निज भाषा। बिन निज भाषा, बिना अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदयों की पीड़ा समाप्त नहीं होती, हृदय की पीड़ा समाप्त नहीं होती। फिर क्या कहते हैं कि करहूं विलंबन भ्रातयब, उठहूं मिटायहूं सूल, अनिज भाषा उन्नति करहूं, प्रथम जो सबको मूल। करहूं विलंबन, कहते हैं कि हे भाई, अब विलंब न करो, उठो और हृदय की पीड़ा को मिटा दो। उठाऊ मिटाए हूँ सूर, इस पीड़ा को मिटा दो, अपनी भाषा की उन्नति करो। प्रथम जो सबको मूल, पहला यह सभी भाषाओं का आधार है। प्रचलित करहूँ जहान में निज भाषा करी जात्न, अराज काज दरबार में फैलायहूँ यह रात। अरे प्रचलित करहूँ जहान में, पूरे संसार में इस भाषा की ख्याति को फैला दो। निज भाषा कर जत्न और अपने इस भाषा को जो है प्रयास करके पूरे राज दरबार में अपने भाषा को, निज भाषा कर जत्न, प्रयास करके इसे जतन करके अपने पास रखो। क्योंकि राज और दरबार में फैलाए हुए रत्न, यह भाषा रूपी रत्न को राज दरबार में फैलाओ, पूरे राज्यों में फैलाओ। करें हैं
कि सुत सोति यशो मीत शो भृत्यन शो दिन रात जो भाषा मघि कीजिए निज मन की अहू बात। भारतेंदु जी कहते हैं कि पुत्र हो, पत्नी हो, मित्र हो, सेवक हो, दिन रात जो है जो भाषा मघ कीजिए, जिस भाषा को बोलिए निज मन की यह बात, अपने भाषा में बोलिए, यही हमारे मन की बात है कि अपनी भाषा में इन सबों से बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए। देखिए, निज भाषा निज धर्म निज, निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सभे बढ़ायहू भेग मिले कहत पुकार पुकार। कहते हैं कि निज अपनी भाषा, अपने धर्म, अपना सम्मान और कर्म व व्यवहार को ऐसे बढ़ायहू, सभी बढ़ाओ, बेग मिले कहत पुकार पुकार। जो है हम कहते हैं कि इसे जो है शीघ्र ही हम पुकार पुकार कहते हैं कि इस भाषा का आविर्भाव करो, इस भाषा को बढ़ाओ, जो है पढ़ो लिखो को लाख विधा भाषा बहुत प्रकार, पै जब ही कछु सोचियो निज भाषा अनुसार। भारतेंदु जी कहते हैं कि पढ़ो लिखो कितने प्रकार से, भाषा बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जो अगर सोचते हो तो अपनी हिंदी भाषा के अनुसार ही सोचो, अपनी हिंदी भाषा के अनुसार ही कार्य करो। फिर कहते हैं क्या, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अपै निज भाषा ज्ञान बिना रहत हीन के हीन। वह कहते हैं जो है करें कि पढ़ो लिखो, अंग्रेजी पढ़ के, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण, तुम अंग्रेजी पढ़ के सभी गुण से प्रवीण हो गए, लेकिन अपने भाषा के ज्ञान के बिना तुम अधूरे हो, तुम्हारा ज्ञान जो है अधूरा है। अपने भाषा के ज्ञान के बिना जो है तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। प्यारे बच्चों, आज इतना ही, धन्यवाद।